आगरा में सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। प्रदूषण को देखते हुए दीपावली पर एनजीटी के आदेश पर प्रशासन ने ताजनगरी में पटाखा पूरी तरह से बैन कर दिया था, लेकिन फिर भी ताजनगरी में इन आदेशों की खूब धज्जियां उड़ी। शहर में एक दो जगहों को छोड़कर लगभग सभी जगहों पर आतिशबाजी की गूंज सुनाई दी। हालांकि पहले जैसी आतिशबाजी तो नहीं हुई, लेकिन फिर भी आतिशबाजी के मामले में रोक के बावजूद भी कोई असर ज्यादा नहीं दिखाई दिया। ताजनगरी में दीपावली पर एनजीटी के आदेश पर प्रशासन ने आतिशबाजी पर रोक लगा दी थी, लेकिन फिर भी ताजनगरी में लगभग सभी क्षेत्र में जमकर आतिशबाजी हुई। पटाखों के फूटने से आसमान सतरंगी लाइटों से जगमगा उठा। लोगों के कानों में आतिशबाजी की गूंज खूब सुनाई दे रही थी। लोगों ने इस अवसर पर कहा कि प्रशासन ने अच्छा काम तो किया है, लेकिन बच्चे नहीं मानते। बच्चे कहीं ना कहीं से पटाखे लेकर आ ही जाते हैं। दीपावली के बारे में ये कहना चाहता हूँ कि दीपावली में पहले से तो पटाखे बहुत मिलते थे और बहुत बच्चे चलाते थे। इस बार तो दीपावली में कोई पटाखे मिल भी नहीं रहे हैं। अगर कहीं से किसी को मिल भी गया है तो बच्चे अपना चला रहे हैं, लेकिन पटाखे अवेलेबल हो नहीं रहे। अब इस बार तो हमारे बच्चों ने एक भी पटाखा नहीं चलाया है। बच्चों से तो मैं यही कहना चाहूँगा, यही संदेश देना चाहूँगा कि दीपावली पे एक तो पॉल्यूशन बहुत हो रहा है और पटाखों से बचना भी चाहिए। हाँ, अब की बहुत फ़र्क आया है। दिवाली के पटाखे इस बार तो बिल्कुल ही ना के बराबर चल रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने सख्ती कर रखी है, लेकिन फिर भी कुछ लोग मनोरंजन के लिए थोड़ा बहुत अपना वो कर रहे हैं, लेकिन पटाखे की रेंज जो भी थी वो अब इस दुकानों पर कहीं भी नहीं मिली। हाँ, सही किया है, पॉल्यूशन को देखते हुए ये सब चीज़ें बहुत सही हुई हैं, जिसके फलस्वरूप प्रशासन एटमॉस्फेयर में भी सुधार आएगा और ये वातावरण के लिए बहुत ज़रूरी है। इस बार की दिवाली पहले की सालों के मुकाबले काफ़ी हल्की है। बाज़ार में लोगों के पास काम नहीं है, पैसे की कमी है, बच्चों के पास पटाखों के लिए पैसे नहीं है, प्राइवेट लोगों को पैसा नहीं मिला है, पीछे नौकरियों का अभाव है, इसलिए त्योहार इस बार फीका है। ताजनगरी की आबोहवा वैसे भी पिछले कई माह से खराब चल रही है। ताजनगरी सूबे में कभी नंबर एक पर तो कभी नंबर दो या फिर तीन पर प्रदूषण के मामले में चल रही है। इसी वजह से एनजीटी के आदेश पर प्रशासन ने आतिशबाजी पर रोक लगा दी थी, लेकिन फिर भी ताजनगरी में जमकर पटाखे फूटे। पहले से और अभी दिवाली सेलिब्रेशन में सबसे बड़ा फर्क ये आया है कि लोग इस समय जो दिवाली है वो इको फ्रेंडली मना रहे हैं। हम देख सकते हैं कि चारों तरफ पहले लोग जो है इतना शोर शराबा करते थे, पटाखे फायर्स को इतना यूज़ करते थे, फायर क्रैकर्स जो है, बच्चे भी बहुत शोर शराबा करते थे। इस समय जो गवर्नमेंट ने एक स्टेप उठाया है कि हमें जो है दिवाली को इको फ्रेंडली मनाना है, क्योंकि बहुत सारा वायरस भी फैल रहा है इधर उधर, कोविड-19 की वजह से भी बहुत सारी प्रॉब्लम है। तो जो मेन डिफरेंस है वो यही आया है कि लोग जो है बहुत ही शांति के साथ, स्वीट्स के साथ एक दूसरे से मिलन करते हुए जो है दिवाली जो है वो मना रहे हैं। पुरुष कहेंगे हम आदरणीय मोदी जी के जैसे निर्देश अनुसार पटाखे पे भी जो प्रतिबंध लगाया, हमने आज पटाखे ना फोड़ के मिठाइयों का वितरण किया और सबसे गले मिलके स्वच्छता अभियान के रूप में दीपावली महोत्सव को बड़ी धूमधाम से मनाया और लोगों को जागरूक किया कि कृपया पटाखे ना फोड़ें, जिससे प्रदूषण फैलता है। आज भारत सरकार के आदेश अनुसार हम लोगों ने और कोरोना महामारी को देखते हुए हम लोगों ने ना ही तो कहीं भीड़ भाड़ इकट्ठे होने दिया और ना ही बहुत ही कम मात्रा में लोगों ने पटाखे जलाए और भारत सरकार के आदेशों का पालन भी किया। शहर भर में जमकर हुई आतिशबाजी से आबोहवा और जहरीली हो गई। एनजीटी के आदेशों को हवा में उड़ा दिया। लोगों को प्रदूषण फैले इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्रदूषण जब फैलता है तो लोग प्रशासन को दोष देते हैं, लेकिन जब प्रशासन ने लोगों की सेहत को ध्यान में रखते हुए प्रदूषित शहर ताजनगरी में आतिशबाजी पर प्रतिबंध लगाया तो कोई नहीं माना। सूचना के अनुसार छावनी क्षेत्र में ना के बराबर पटाखे चले, लेकिन बाकी जगहों पर खूब मनमानी हुई। हालांकि पिछली दिवाली जैसी आतिशबाजी तो नहीं हुई, लेकिन फिर भी जमकर पटाखे फोड़े गए। हालांकि हवा चलने और धूप निकलने की वजह से आसमान साफ दिखा, लेकिन लोगों ने कई करोड़ रुपए हवा में आतिशबाजी के साथ फूंक दिए। सी न्यूज के लिए विनोद जूनियर की रिपोर्ट।